गाइस वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रिम वर्ल्ड। अगर आपको रिम वर्ल्ड वाली सीरीज याद नहीं है तो हमारे पास हमारे पांच पॉन्स हैं, ब्ला द प्लांटर, वाय द बिल्डर, जेस द फाइटर, रायो राइनो द क्राफ्टर एंड थियो द कुक। एंड आई एम श्योर थियो कुकिंग में बिजी है ना, थियो को क्लीनिंग में बिजी है। एक्सट्रीम ब्रेक रिस्क पे कौन है? राइनो है। क्यों भाई, हेल्थ क्या सीन है उसका? वो राइनो को मशीन गन से बहुत सारी लगी थी क्योंकि यहाँ पे जो फाइट हुई थी उसके चक्कर में इनको लग गई थी। बबरे 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 बबरे। रिसर्च में हमारा क्या चल रहा है? अगर आपको याद होगा तो हम प्लेट आर्मर रिसर्च कर रहे हैं, जो आई एम गेसिंग फटाफट हो जाना चाहिए वंस राइनो इज अ लिटिल बेटर। इसके अलावा क्राफ्टिंग में भी राइनो तो कर रहा है, क्या ज़्यादा ही लगी, डोंकी इज प्रेग्नेंट। डेट क्या हो गई? 14th of September हो गई है। मतलब जो हमारे हार्वेस्ट सीजन है वो आने वाला, मतलब जो विंटर सीजन है वो आने वाला है। सो मुझे जितना हो सके अपना चीज़ें हार्वेस्ट कर लेनी है क्योंकि इसके बाद ज़्यादा हार्वेस्ट हो नहीं पाएगी। सो लेट्स सी मेरा प्लांटर क्या कर रहा है। प्लांटर के वुड काट रहा है, विच इज़ ऑल्सो गुड। फूड की आई डोंट थिंक मुझे कोई कमी है, बट फूड ओके, काफ़ी ज़्यादा फूड हो गया। कमी तो छोड़ दो, आई थिंक एक्सेस हो गया है फूड क्योंकि मेरे पास स्टोरेज एरिया नहीं है फूड के लिए। वुल का सीन ठीक है, इसके साथ काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। ट्रिवियल माई ओके, किसी को खाना खिलाने को बोलूँ मैं इसको? जाके खाना खा ले यार, क्यों खाना खा नहीं खा रहा है? जब भी तो उठेगा पहले उठ के खाना खा लेना। उसके अलावा क्या सीन है? लेफ्ट आई में इसका स्क्रैच है जो यहाँ पे आपको दिख भी सकता है। और हमारे सब पॉन्स आराम से सो रहे हैं, हमारे पास कोई प्रिजनर नहीं है, विच इज अ सैड साइड बिकॉज हमको और हमारी कॉलोनी एक्सपांड करने के लिए लोग चाहिए। रिकंस्ट्रक्ट यहाँ पे हो गया, यहाँ पे ये क्या है, रिवुल है ये, इट्स ओके। यहाँ पे मेरे हीरो हीरा लाल सो रहे हैं। ग्रेव्स और बनानी पड़ेंगी मुझे, जिस हिसाब से मेरे ऊपर अटैक हो रहे हैं आई एम श्योर मुझे नहीं कैंसिल ओके, मेरा बिल्डर उठा हुआ है, पता नहीं क्यों उठा हुआ है, बट ठीक है जब भी ओके। ग्रेव्स कर रहे हैं, चंक्स पे स्पेस क्राफ्ट ओके, इसको डिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। स्पेस क्राफ्ट के चंक्स गिरे हैं ऊपर से, इसको डिकन्स्ट्रक्ट करके रख देते हैं। इससे हमको थोड़ा बहुत हो सकता है कंपोनेंट्स मिले, डेफिनेटली स्टील मिलेगा। स्टील की हमारी सिचुएशन क्या है? ये तो हमारा स्टोन है, स्टील काफ़ी है हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे मैं यहाँ से स्टोन और यहाँ से भी स्टील देख सकता था, 625 का स्टील है हमारे पास। सो स्टील का सिचुएशन इतना कुछ ख़राब नहीं है, बट इट इज़ ऑलवेज गुड टू नो कि क्या चल रहा है स्टील के साथ भी। ये लोग दे रहे हैं चीज़ें इकट्ठा करके डाल रहे हैं। एक और दिन बाद आई एम गेसिंग सीजन चेंज हो जाएगा, विच इज़ विंटर। एंड विंटर के लिए हमको प्रिपेयर करना है, हमको हमारे हीटर्स चालू करना है। अभी भी हीटर्स चालू कर सकते हैं, इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड, सो आई थिंक सब हीटर्स हम ऑन करेंगे फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ओके, खाना बना रहा है, लेट्स गेट द हीटर्स ऑन। हमको हमारे रिसर्च में जाके एक और इंटरेस्टिंग चीज़ रिसर्च करनी है, विच इज़ जियोथर्मल। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्टीम गीजर है, यहाँ पे मैं जियोथर्मल फैंस लगा के स्टीम गीजर को टैप कर सकता हूँ। हमारे पास अभी भी दो बैटरीज हैं, आई वॉज होपिंग मैं एक और बैटरी लगा सकूँ, बट ठीक है। स्मोक पीड लीव्स नहीं बना रहे, कोई भी स्मोक पीड है, यहाँ गन बन रही है। ड्रग लैब में ओके, स्मोक पीड बना देते हैं यार, 50 स्मोक पीड, जिसके बाद भी टाइम मैं बनाऊँ स्मोक पीड, क्योंकि मेरे लीव्स ख़राब हो जाएंगे नहीं तो। सो लेट्स गेट द स्मोक पीड रेडी, एंड जब भी हमारे पास ट्रेडिंग का सामान आएगा हम ट्रेड कर देंगे। ओके, यहाँ पे स्मोक पीड है, वही मैं सोच रहा था। और कहाँ पे है स्मोक पीड? ओके, अस्थियो तो स्मोक पीड बना रहा है, which is fantastic. हमारे को बहुत सारा स्मोक पीड एक्चुअली। यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे हैवी SMG बन रही है। और गन्स में हमारे पास क्या है? दूसरी गन्स हैं, यहाँ पे भी गन्स है रे, तो उठा लेना चाहिए इसको, जैसे तो फाइटर को बोलो उठाने के लिए। प्रायोरिटाइज हॉलिंग क्योंकि अब मैं इसको एक अंडर कवर रख दूंगा ना, तो क्या होगा जब भी कोई मेरे पास जस्ट द फाइटर, जब भी कोई कैरावान आएगा इन सबको मैं बेच सकता हूँ। अभी तो मेरे को इनकी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास इसके पास तो ये है, सबके पास पिस्टल्स हैं, राइनो के पास कुछ नहीं है। राइनो के की गन लेंगे हम लोग, पूर वाली गन नहीं लेंगे राइनो के लिए भाई, राइनो के लिए मस्त वाली गन लेंगे क्योंकि आग लग गई है यहाँ, तो कोई ना कोई तो आ जाएगा आई एम श्योर। राइनो भाई साहब आप बना रहे हो कुछ? आई थिंक यू शुड पिक अप ऑटोमेटिक मशीन गन, उठा लो आप अभी के लिए, जब भी ये वाला राइफल रेडी हो जाएगी तब
अब वो उठा लेना 16। ओके बाय, नाइस। स्मोक वेट बहुत अच्छे सुन रहे हैं। मेजर ब्रेकलेस जेस के लिए है कि नीड्स में क्या सीन है उसका। ड्राउजी रेवनसली हंग्री, क्लियर प्रायोरिटाइजेशन, खाना खाने दो यार उस बेचारे को। कि हॉलिंग हॉल करने के बाद आई एम गेसिंग यस कुछ तो खाना खाने जा रहा है, नाइस। एंड इसके बाद आई एम गेसिंग सो जाएगा। ओके हमारा गन बन रही है, फर्स्ट ड्राइनो बना रहा है हमारा SMG। रिसर्च पे काम नहीं हो रहा है। हम अगर क्वेस्ट में देखें तो एक्टिव अवेलेबल क्वेस्ट भी कुछ नहीं है। अगर हम क्या हमारा वेल्थ इंक्रीज होते जा रही है, आई एम गेसिंग मेरे को एक कारवान बना के सून यहाँ से रफू चक्कर होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास मफेलो वुल काफ़ी है। लेट्स सी हम मफेलो वुल से ट्राइबल वेयर व्हील बोला सर मेक, ये क्या है, पैच ऑफ लेदर, पैच ऑफ लेदर, ये कुछ नहीं। लेट्स सी जैकेट बनवाते हैं, डिटेल्स में जाके सब ऑफ करके क्लियर ऑल। वुल, वुल की स्पेलिंग लिख दी गलत। मफेलो वुल से स्वेटर्स बनाते हैं, कितने बनाने हैं, चलो 5 बना लेते हैं। कितना चाहिए, 70 फैब्रिक चाहिए तो हो जाना चाहिए, मतलब 350 के आसपास। ठीक है बढ़िया, मफेलो वुल की कमी होने नहीं वाली हमको, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मफेलोज हैं यहाँ, जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मफेलोज हैं हमारे पास, तो उसका प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए हमारे पास। और क्या इंटरेस्टिंग है, एक और चीज़ मैं भी कर सकता हूँ कि जो हमारा लिविंग क्वार्टर्स है उसको धीरे धीरे, हमारा बिल्डर क्या कर रहा है, हमारा बिल्डर हॉलिंग का ही काम कर रहा है, सो लेट्स डू दिस। स्ट्रक्चर में जाके डीकंस्ट्रक्ट, मैरिज इज ऑन, कौन मैरिज कर, थियो द कुक एंड जस्ट द फाइटर आर गेटिंग मैरिड विच इज वेरी गुड। सेट ओनर बाय द बिल्डर नहीं होना चाहिए, इसको थियो द कुक होना चाहिए, बट ठीक है। हाँ जैसे मैं बोल रहा था, मैं क्या करूँगा अभी, ऑर्डर्स में जाके नेक्स्ट स्ट्रक्चर में जाके जो थोड़े थोड़े एरियाज है उसको डिकन्स्ट्रक्ट करना चालू कर दूंगा, ताकि मैं इसको अपने स्टील ग्रेनाइट, लेट्स सी हमारे पास क्या बचा है, ग्रेनाइट सॉरी हार्ड स्टोन, तो ग्रेनाइट से हम ये डिकन्स्ट्रक्ट होने के बाद ग्रेनाइट से बनेंगे। हमको नहीं चाहिए, हमारा बहुत सारी चीज़ें वुड से बनी रहे क्योंकि वो बहुत ही जल्दी आग पकड़ता है, तो जितना हो सके हम उसको अवॉइड करने वाले। जैसे फाइटर क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, सब सो रहे हैं। नाइस, शादी होने वाली है विच मीन्स हमारा लोगों की हैप्पीनेस बढ़ेगी। सूदिंग इफेक्ट ऑन फीमेल्स विच इज गुड, विच हमारे फीमेल्स के लिए और बढ़िया हो जाएगा। हाँ कम ऑन जी कम ऑन। अगर इसकी स्किल्स देखें तो हम बायो में जाके क्राफ्टिंग स्किल्स बढ़ रही हैं इसकी। फूड बिंच क्राफ्टर, ओके ओ नाइस। स्ट्रक्चर में जाते हैं हम, हमारा ग्रेनाइट ब्लॉक बनाते हैं, एंड यस जैसे ही बिल्डर बना देगा इसको हम वुड हॉलिंग का काम कर रहा है, बट यस दैट्स द होल आइडिया कि जितना जितना सॉरी जितना हमारा बिल्डर सब एरिया को एटलीस्ट द मेन बिल्डिंग को कन्वर्ट कर सकता है इन अ बड़ी से या इन अ स्टोन ब्लॉक एरिया, तो हमारा फायर का चांसेस कम होता है कि जनरली किचन के यहाँ फायर लग सकती है। इवेंचुअली मैं किचन को भी शिफ्ट कर दूंगा बिकॉज मुझे नहीं चाहिए मेरा किचन यहाँ पे रहे। स्ट्रक्चर डिकंस्ट्रक्ट, सो ऑर्डर की प्रायोरिटी क्या रहती है, पहले डिकंस्ट्रक्ट होता है चीज़ें, उसके बाद रूफ कोलैप्स। अरे यार ठीक है बना दूंगा, दो मिनट रुक जाओ। स्ट्रक्चर यस, यूके 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 कैंसिल। नाउ आई थिंक इसके बाद रूफ होपफुली, यहाँ नहीं था ये, इसको यहाँ था, यस होपफुली इसके बाद रूफ ठीक हो जाए, क्योंकि रूफ बीच में कोलैप्स हो गई थी, समय थोड़ी बैटरी डैमेज हुई है, बट वो ठीक है, वो रूफिंग ठीक हो जाएगी, आई डोंट थिंक इट शुड बी अ प्रॉब्लम। कि रूफिंग ठीक कर ली, बैटरीज भी रिचार्ज होने लग जाएंगी, बैटरीज को भी रिपेयर करना पड़ेगा, आई एम गेसिंग। नहीं बैटरीज तो 100% पे, इस नीचे देख सकते हैं।
प्लांटर भी हेल्प करेगा क्योंकि प्लांटर के पास डेफिनेटली कुछ काम नहीं है, सो इट इज गुड, क्योंकि मैं इसके बाद थोड़ा सा और डिकंस्ट्रक्शन का ऑर्डर दे सकता हूँ। एंड ओके यस, थियो देखो ग्रेनाइट ब्लॉक्स बना रहा है, विच इज व्हाट आई वांट। हाँ बढ़िया जी, बढ़िया हो रहा है, हमारा ग्रेनाइट ब्लॉक शिफ्टिंग हो रहा है। हमारा प्लांटर स्लो है जैसे आप देख सकते हैं, काफी प्लांटर ओके वॉच भी कर दिया प्लांटर ने। मैं जस्ट बोल रहा था प्लांटर काफी स्लो है, बट उसने तो कंस्ट्रक्शन ही वॉच कर दिया। 5 जैकल्स बन रहे हैं, उसके बाद हम ट्रेडिंग के लिए भेज देंगे किसी को ट्रेड करने के लिए। विंटर्स आ गए तो फूड की थोड़ी सी कमी हो सकती है। हमारा हम को हमारे पेन पे ध्यान रखना है कि पेन में ज़्यादा फूड की कमी नहीं हो जाए। अगर हम जोन्स देखें एंड रिमूवल ऑफ द स्नो, ठीक है काफ़ी ज़्यादा रिमूवल ऑफ द स्नो वाला जोन है, होपफुली ज़्यादा ज़्यादा कमी नहीं होगी तो सही कमी, इसका कोई इलाज ही नहीं है, क्या कर रहे हैं लोग, ठीक है चलेगा, थोड़ा बहुत चलता है। सो ये आप अगर आपको चाहिए कि आपके लोग क्या खाएं और क्या पिए, तो आप यहाँ मैनेज ड्रग पॉलिसीज में जाके सोशल ड्रग्स ऑन ऑफ जो भी आप करना है आप कर सकते हैं। अभी तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इवेंचुअली जब मेरे पास प्रोपॉक्सिलिन आ जाएगा, ये प्रोपॉक्सिलिन क्या है मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, ठीक है मैं इसका गलत प्रोनाउंसिएशन, बट ये वाला जब आ जाएगा इससे क्या होता है डिजीज के चांसेस कम हो जाते हैं। सो जब मेरे पास वो आ जाएगा तब मैं इस पॉलिसी के साथ छेड़छाड़ करूंगा, अभी के लिए मैं कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाला हूँ। राइन द क्राफ्टर भी ऑलमोस्ट ठीक हो चुका है, खाना वाना खाएगा आराम से। यहाँ गर्मी क्योंकि चालू की नहीं किया, एक सेकेंड, आई थिंक यहाँ का कुछ वायर का प्रॉब्लम हो गया है। हाँ ये डिकन्स्ट्रक्ट हुआ तो उसमें वायर भी डिकन्स्ट्रक्ट हो गया, ठीक है गेसिंग ये जल्दी चालू हो जाना चाहिए। यहाँ पे हीटिंग का प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे चारों में हीटिंग बराबर है, कूलिंग का भी प्रॉब्लम तो नहीं है। नाइस, यहाँ पे ओके नाउ हीटिंग का इशू नहीं है। स्टॉप स्ट्रक्चर्स, कूलिंग स्ट्रक्चर हो गया है हमारा रेडी। बिल्डर 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 जी जल्दी आइए, कंस्ट्रक्शन में काम कीजिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कम वेदर ठंडा होते जा रहा है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना कि ज़्यादा ठंडा नहीं हो जाए वेदर, क्योंकि यहाँ पे लोग सो रहे होते हैं। और ये अब जैसे देख सकते हैं ये बेड भी ब्राउन हो गया, क्योंकि ये वाला प्रिजनर ब्लॉक है राइट, तो अभी दीवार नहीं है दोनों के बीच में, तो ये मज्यूम कर रहा है ये भी प्रिजनर ब्लॉक है। जब वो बेड हट जाए, जब वो दीवार बन जाएगी इसके बाद मैं हटा सकता हूँ। यस नाइस, अभी और जाके मैं डिकन्स्ट्रक्ट करूंगा, विच विल बी या आई थिंक प्रिजनर ब्लॉक को डिकन्स्ट्रक्ट कर देते हैं हम हमारे, या प्रिजनर ब्लॉक को पूरा डिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं, इससे कुछ अभी तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या कर रहा है, सेव कर लेते हैं, और हमारा इंसान ग्रेनाइट बना रहा है। ग्रेनाइट यहाँ पे भी ग्रे, नहीं ये सब लाइमस्टोन है, कॉम्पैक्ट स्टील लाइमस्टोन। ओके लेट्स डू दैट, जोन स्ट्रक्चर ग्रेनाइट, आई थिंक ये पूरा एरिया बन जाएगा हमारा जैसे ही ग्रेनाइट रेडी हो जाएगा। 927 ग्रेनाइट का प्रोडक्शन लेवल क्या रखा हुआ है मैंने, 1010 रखा हुआ है ग्रेनाइट का प्रोडक्शन लेवल, सो इज गुड। नाउ बाकी हंग्री पेन एनिमल्स, नाउ दिस इज अ कंसर्निंग फैक्टर, क्योंकि हमारा पेन में फूड लेवल 18 है एंड हमारे पास 23 वाले हैं, जो ये विंटर्स में हमेशा परेशान करेगा। अपना ऐसे दो तीन चीजें हो सकती है, इससे हमारे एनिमल्स धीरे धीरे मरने लग जाएंगे, विच इज ऑल्सो कंसर्निंग। सो अभी के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, इवेंचुअली हम यहाँ पे जो है अगर आप प्लांटिंग में देखेंगे तो यहाँ पे हे ग्रास है, हम हे ग्रास प्लांट करके हम हे ग्रास प्लांट करके इन एनिमल्स का थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं। एक्चुअली अभी तो चल विंटर्स है, विंटर्स में तो कुछ ही नहीं हो सकता। एक सेकेंड, यहाँ इतना टेम्परेचर लो क्यों हो रहा है, वो यहाँ का दरवाजा बंद है, इसको क्लोज कर देते हैं। ये बंद हो गया तो ये टेम्परेचर यस बढ़ेगा जैसे आप देख सकते हैं, अभी वहां से लीक नहीं हो रहा। विजिटर जंप टू द लोकेशन, ओके लेट्स सी कौन बात करेगा इससे, जस्ट द फाइटर कैन नॉट विल नॉट डू, के जा भाई तू कर ले, देखते क्या है इसके पास। हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं बेचने के लिए, इसके पास
पेमेकिन है जो नहीं चाहिए, स्टील नाइफ है वो है नहीं चाहिए, इसके पास और कुछ नहीं। हम हमारे जॉइंट्स बेच देते हैं, इसके पास 213 है, सो जब तक 200 नहीं आ जाते हम इसको बेच सकते हैं। हमारा स्मोक वीट 205 भी ओके। इसके बाद हमारा जब भी तुम्हारा खाना हो जाए तब इसके बाद कॉल कर देना। एंड हमारे पास गोल्ड कितना है वो भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे 4,500 है विच इज़ वेरी गुड। हम इवेंचुअली हमारे गोल्ड को भी देना चालू, जैसे आप देख सकते हैं हमारा वेल्थ इंक्रीज हो रहा है। कितना हो गया, 4 धीरे धीरे राइट तो ग्राफ तक बना रहा है। ओ नाइस, सो एक्सीलेंट। अगर मैं देखूँ हंट में बेस्ट कौन है, हंट में ब्लाज और प्लांटर बेस्ट है। अगर ब्लाज और प्लांटर का बायो देखूँ, शूटिंग जस्ट द फाइटर बेस्ट है। क्यों तो कुक भी अच्छा है, जस्ट द फाइटर क्यों तो कुक दोनों के पास सेम एसएमजी है। उसके बाद है या आई थिंक यही है, तो उसके बाद शूट कर लेते हैं जब भी इसके पास टाइम होगा। वो पार्टी पार्टी से सबका मूड बेटर हो जाता है, विच इज फैंटास्टिक हो गया मैं इस फैंटास्टिक। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम हमारा हंडी वाला एरिया डिकंस्ट्रक्ट करेंगे ना। ये काफ़ी दिमाग लगा के डिकंस्ट्रक्ट करना है कराया है मैंने, क्योंकि अभी विंटर्स है तो विंटर्स में जनरली वेदर ठंडा ही होता है। सो ये डिकंस्ट्रक्ट भी करूँगा तो ऐसे मेरा फूड ख़राब नहीं होगा, विच इज़ वॉट वी वॉन्ट। एंड दिस पार्टी इज गोइंग ऑन, होपफुली इससे सबका बायो एरिया माइनर पेन। अगली एनवायरमेंट है इसका, अभी तो कुछ नहीं कर सकते हैं। एनिमल स्टार्वेशन, यस सर आई नो, इसका और कम हो गया जैसे आप देख सकते हैं, 9 पे पहुंच गया। बट अगेन देर इज वेरी लिमिटेड थिंग्स दैट वी कैन डू एट दिस पॉइंट। इसके लिए जब भी स्नो गिरेगी हम हटा देंगे, बट उसके अलावा हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। नाउ आई एम गेसिंग नाइस ओके, ये पूरा हट रहा है स्ट्रक्चर ना। मैं जनरली रिकंस्ट्रक्ट पहले होने देता हूँ पूरा, उसके बाद ही कंस्ट्रक्शन ऑर्डर डालता हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको वर्क में दिखाऊँ, अगर मैं आपको वर्क में दिखाऊं और कंस्ट्रक्शन में दिखाऊं, सो ये जो ऑर्डर है वैसे होता है। सबसे पहले चीज़ें फिक्स होंगी, पॉज लेते हैं, कोलैप्स होगी। पहले सबसे पहले चीज़ें फिक्स होंगी, फिर अनइंस्टॉल होगा, फिर रूफ बनेगी, रूफ रिमूव होगी, देन कंस्ट्रक्शन होगा एंड डीकंस्ट्रक्शन, जैसे आप देख सकते हैं फोर्थ लास्ट है रिपेयर थिंग। उसके बाद इसी ऑर्डर में चीज़ें होती हैं। सो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को मेरा डीकंस्ट्रक्शन पहले हो, सो मैं पहले पूरा का पूरा डीकंस्ट्रक्शन करता हूँ, उसके बाद मैं कंस्ट्रक्शन ऑर्डर देता हूँ। ओके नाइस, एक सेकेंड पॉज लेते हैं, इसको यहाँ पे एंड आई थिंक इसके साथ हो जाना चाहिए। साथ ही साथ आई थिंक मेरा पावर ग्रिड्स भी थोड़ा सा इफेक्ट हुई होंगी, सो मैं पावर कंड्यूट्स वापस डाल देता हूँ। या आई थिंक शुड बी गुड। लेट्स सी कब प्लांटर भी सो रहा है। ओ क्या हुआ जस्ट द फाइटर को, हेल्थ कट कहाँ से आ गया भाई। लॉग में जाके हम देख सकते हैं, ओ रूफ फेल बेचारे के ऊपर दीवार गिर गई। नाउ दैट्स अनफॉर्चुनेट, बट ठीक है जो है सो है, क्या कर सकते थे। वो तो कुक हमारा अपना काम किया जा रहा है, स्मोक वीट बना बना के। स्मोक वीट का हमारे पास वो भंडार कितना हो गया देखें, स्मोक वीट कहाँ मिलना चाहिए। हाँ इसमें होना चाहिए, नहीं नहीं इसमें होगा, लेट्स सी 34 स्मोक वीट्स है एंड 207 एम्ब्रोसिया है। एम्ब्रोसिया बेचेंगे नेक्स्ट जब भी कोई ट्रेडर आएगा, या फिर हमारा जैसे ही हमारा ये जैकेट बनना कंप्लीट हो जाएगा हम बेचेंगे। कोलैप्स हम हटा देते हैं। हंग्री एनिमल्स मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ गाइस, आई एम रियली रियली सॉरी, बट 9 का 13 हो गया है। हमारा बिल्डर उठा एंड आई थिंक पहले खाना खाएगा। नो बिल्डिंग द वॉल, नाइस। सो अभी सबसे पहले वॉल बिल्ड करने जाएगा। ओके तो हम हमारा मेन एरिया को पूरा का पूरा ग्रेनाइट बना चुके हैं, विच इज वेरी गुड। इसका स्पीड थोड़ा सा और फास्ट कर लेते हैं, बट आई थिंक ये वाले एपिसोड के लिए इतना ही। वाले हमने कंस्ट्रक्शन की तरफ एम किया है गाइज, जिसमें हमने पूरा का पूरा ग्रेनाइट बनाया। क्या आपको लगता है मेरे को स्टोरेज एरिया एंड लिविंग क्वार्टर्स भी ग्रेनाइट बना देना चाहिए? आई थिंक अभी हमारे पास इनफ ग्रेनाइट है नहीं कि मैं कर सकता हूँ। लेट्स सी 700 ही ग्रेनाइट है अभी के लिए, आई डोंट थिंक इनफ ग्रेनाइट है, हमको ये करने की जरूरत पड़नी चाहिए। जब हमारे पास और ग्रेनाइट आ जाएगा तब मैं ये करूँगा। बट आप मुझे नीचे कॉमेंट्स में बताइए आपको रिम्बल की ये सीरीज कैसी लग रही है। एंड आप गाइज प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, जैसे मैं देख सकता हूँ मेरे बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। सब्सक्राइब करने से आप एक मेरे चैनल का रेगुलर अपडेट्स मिलता रहेगा, सेकेंड मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोज़ बनाने का, जैसे मैं जनरली बनाता रहता हूँ। ये जो प्लेलिस्ट आपको दिख रही है अभी आपके स्क्रीन पर, तो विद दैट गाइज प्लीज हिट द लाइक बटन एंड द सब्सक्राइब बटन। एंड अगर आपको कोई वीडियो देखना है तो आप ये यहाँ पे लिंक्स पे क्लिक कर सकते हैं। दिस इज द प्रियांत साइनिंग ऑफ।